संजय शेरपुरिया, जिसका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से जिस जालसाज संजय प्रकाश राय और संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया है, उसने खुद को केंद्र की बीजेपी सरकार का सबसे करीबी बताते हुए करोड़ों की ठगी की है। किसी को जांच में बचाने के नाम पर ठगा, तो किसी को खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संजय शेरपुरिया है कौन। दरअसल गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव का रहने वाला संजय राय दिल्ली में संजय शेरपुरिया था। संजय शेरपुरिया के नाम से ही दिल्ली दरबार के तमाम नेताओं और दिल्ली के हाई प्रोफाइल महफिलों में बैठने लगा। पीएम मोदी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत कई प्रभावशाली नेताओं के साथ संजय राय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होती रही और वो खुद को केंद्र सरकार के तमाम बड़े नेताओं का करीबी बताता रहा। इतना ही नहीं, वो गुजरात में अपनी फैक्ट्री होने का दावा करते हुए गुजरात कनेक्शन का भी ढिंढोरा पीट रहा था। बताया जा रहा है कि ईडी में चल रही गौरव डालमिया की जांच को मैनेज कराने के नाम पर इसने 11 करोड़ रुपए लिए थे। 11 करोड़ की रकम गौरव ने अपने फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से संजय राय की यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के खाते में दो बार डाली। पहली बीती 21 जनवरी को 5 करोड़ और 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बताया जा रहा है कि संजय शेरपुरिया के ठगी की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को एक गोपनीय पत्र से मिली, जिस पर यूपी एसटीएफ को लगाया गया। पत्र में आरोप लगाया गया कि संजय शेरपुरिया ने दिल्ली के नामचीन दिल्ली राइडिंग क्लब पर कब्जा करके रेस कोर्स के अंदर आलिशान कोठी बनवा ली है, जहां पर बैठकर ये खुद को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का करीबी बताकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। इस गोपनीय पत्र पर जांच की गई और जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से संजय शेरपुरिया को और यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने नोएडा से काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। अब तक की जांच में पता चला है कि संजय शेरपुरिया दिल्ली, गाजीपुर, अहमदाबाद, वडोदरा में कई फर्जी कंपनियां और एनजीओ से जुड़ा हुआ था। कई कंपनियों में संजय शेरपुरिया कागज पर कहीं नहीं होता था, लेकिन जब भी उस कंपनी या फिर एनजीओ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता था तो वही वहां का मुख्य कर्ता धरता रहता था। अपने दिल्ली दरबार में पैठ के दावे के चलते ही इसने अपने गृह जनपद गाजीपुर में भी खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताना शुरू कर दिया था, कई सार्वजनिक कार्यक्रम करवाता। गाजीपुर में चर्चा हो गई कि संजय शेरपुरिया आगामी 2024 चुनाव में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद से ही शुरुआती जांच में संजय शेरपुरिया के मोबाइल से कई व्हाट्सएप चैट लेनदेन के मिले हैं, जिस पर यूपी एसटीएफ की लखनऊ और नोएडा यूनिट काम कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार बड़े नेताओं के साथ वायरल होती फोटो ने संजय शेरपुरिया के केस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखना होगा कि अभी इस मामले में कितने और खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल तो ये है कि मुद्दा किसी भी कीमत पर कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।